हाय डैडी, हाँ मैं पहुंच गई हूँ ठोको गाड़ी ड्राइविंग मोटर स्कूल। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फोन करूंगी ना, बाय। ओ, अब समझ में आया नानी ने क्यों कहा था दिल लगा के काम करना। दिल लग गया मेरा। हेलो। हाय, मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है। वेलकम वेलकम, क्या नाम है आपका? जी संगीता। जी संगीता, कितना अच्छा नाम है जी संगीता। नो, जी संगीता नहीं, सिर्फ संगीता। ये भी बड़ा अच्छा नाम है, सिर्फ संगीता। सिर्फ संगीता नहीं, ओनली संगीता। ओनली संगीता ही बड़ा अच्छा, ओनली संगीता। अरे मेरा नाम संगीता है, संगीता, दैट्स इट। नाइस टू मीट यू संगीता, दैट्स इट, नाइस टू मीट यू। आप बहुत अच्छी जगह पे आई हैं, आइए 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 फटाफट। ये लीजिए फीता, काटिए फटाफट। मैं फीता क्यों काटूं? अरे हमारी पहली कस्टमर है। पहली कस्टमर? इससे पहले आपने किसी को गाड़ी चलाने सिखाया? क्या बात कर रही हैं आप? आपको पता मुगल जब भारत आए थे ना, हाँ, घोड़े पे आए थे। ओके। तो मेरे परदादा जी ने उनको रोका, उनका घोड़े से उतरो, गाड़ी सिखाता हूँ, फिर वो गाड़ी में आए। उसके बाद बताया, फिर जब अंग्रेज आए भारत में ना, तो फिर मेरे दादाजी ने उनको गाड़ी सिखाई। मेरे दादाजी को सारे अंग्रेज अंग्रेज बोलते थे। क्यों? वो अंग्रेजी फिल्में बड़ी देखते थे। फिर ना 1497 में जब उन्होंने कहा कि अंग्रेज को भारत छोड़ो, तो मेरा दादा फ्लो फ्लो में निकल गया। फ्लो अंग्रेज अंग्रेज थे। अच्छा ये आप फॉर्म भर दीजिए। एक सेकंड, आपका हो गया जी। पहले आप ये बताइए कि ये कोर्स कितने दिन का? ओनली 3 मंथ्स। हेलो, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी कि मात्र 7 दिन में गाड़ी चलाना सीखिए। तो कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं, कम तो नहीं दे रहे ना? 7 दिन से ज्यादा ही होते हैं 3 महीने। वैसे आप करती क्या है? मेरा अपना ब्यूटी पार्लर है। ओ वाओ, आज तो कुआं खुद प्यासे के पास आ गया। व्हाट? एक्चुअली ना मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था मैं मसाज कराऊं, मेरे को शर्म बड़ी आती है। पर आपसे क्या शर्माना, आप तो अपनी हैं। अपनी? मैं आपकी अपनी हूँ? पहली बात तो मैं आपकी अपनी नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे जेंट्स की मसाज नहीं होती है। कोई बात नहीं, मैं लेडीज के जैसे बैठ जाऊंगा। ओह शट अप, एक्सक्यूज मी। व्हाट एक्सक्यूज मी? जेंट्स के सीने में दिल नहीं होता क्या? जेंट्स लेडीज पार्लर में नहीं जा सकते, जेंट्स लेडीज टॉयलेट में नहीं जा सकते, जेंट्स मां नहीं बन सकते? हम जेंट्स के आप लड़कियों को शॉपिंग कराने आए हैं। You know what? मुझे लगता है तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं तो अभी भी करा गया हूँ, अब तो मैं काटता भी नहीं। तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे या मैं जाऊँ? अरे सिखाएंगे बिल्कुल, अब बुरा क्यों मान रही है? ये बैठिए। वहाँ क्यों बैठो, गाड़ी यहाँ बैठेंगे ना हम। सीधा ओरिजिनल गाड़ी पे थोड़ी ना सिखाऊंगा, कहीं ठुक गई तो। इधर बैठिए बैठिए, दुपट्टा संभाल के, चेन में आ जाएगा। दुपट्टा है कहाँ? चेन भी है कहाँ? देखो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करो। कफ बड़ा हो जाता है। चलो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। माय गॉड, ब्रेक मारो। क्यों? ब्रेक मारनी पड़ी, मैंने ब्रेक मार दी, आपने मारी नहीं, आधी गाड़ी ठुक जाती। अरे मारनी क्यों थी ब्रेक? अच्छा वाह, मारनी क्यों थी? अपनी फिगर अच्छी है तो सामने भैंस बैठी दिखती नहीं। यू रेसिस्ट। चलो अब रेस दो, रेस दो, रेस रेस दो। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम ये? अरे गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। तो गड्ढा यहाँ क्यों गिरा? वहाँ गिरो ना। इतना भी पागल नहीं हूँ मैं, इधर ही गिरूंगा। चलो चलो चलो, तेज चलाओ। सुनो। बोलो। पेट्रोल पंप आ रहा है, पेट्रोल डलवा लें? डलवा लो। पैसे दो। मैं स्टेरिंग पकड़ता हूँ। नकली पैसे नहीं, ओरिजिनल पैसे दो। अच्छा गाड़ी नकली, पैसे असली? सारी चीजें नकली डलवा लें, पैसे दो। Stupid. पकड़ो इसको। चलो तेल डलवाते हैं, रुको। हेलो, पैसे असली लिया, पेट्रोल भी असली डालो। एक तो 500 दिया मैंने, 600 का डाल दिया, उसके बावजूद मेरे साथ बहस कर रही हो। चलो। फालतू में लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़ेगा। गाड़ी तेज चलाओ जी। क्यों? मैंने कच्चा गीला पहना हुआ, मेरे सूख जाएगा। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ, तेज चलाओ। यू टर्न मारो। क्यों मारूं? अरे पीछे से भी गिला तो मैं सुखाऊंगा ना। तो तुम उल्टा मुड़ जाओ ना। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया नहीं। यू नो व्हाट, तुम्हारा आइडिया क्या भाड़ में? तुम मुझे असली गाड़ी चलाना सिखाओ वरना मैं जा रही हूं। अरे गुस्सा ही कर गई। आइए आप बैठिए, आइए बैठिए, इधर से बैठिए ना। आप क्या कर रही हैं? चलिए गाड़ी स्टार्ट करिए। चाबी दो। अच्छा चोरी की गाड़ी की चाबी भी दे। ये गाड़ी चोरी की है? चोरी, चोरी कंपनी का नाम है।
ये इंपोर्टेड गाड़ी है ना, ये जापान की गाड़ी है। मेड इन चाइना लिखा है। मेड इन चाइना बट बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जापान। आपको पता है इसको आप जूड़े की पिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जूड़ा नहीं करती, मैं चोटी करती हूँ। क्या कर दी ना चोटी बात। तुम्हें पता जूड़े में कितनी अच्छी लगती हो? मेरी माँ को जूड़े वाली लड़कियाँ पसंद है, अपनी माँ को कैसे मनाऊंगा मैं? तुम्हारी माँ को क्यों मनाना है? तुम्हारी माँ को क्या, मैं जूड़ा करूँ चोटी करूँ? वाह, अभी गाड़ी में बैठी नहीं, इतनी अकड़ आ गई। सीख जाएगी तो तुम मार दोगी मेरे को। मेरी माँ की तुम्हारे साथ लड़ाई होगी तो तुम्हारे जूड़े से ही घसीटेगी ना। अच्छा, कोई मुझे हाथ लगा के दिखाए। खबरदार मेरी माँ के साथ बदतमीजी की। तो मैंने तुम्हारी माँ के साथ कब बदतमीजी की? अब भाई ना लाइन पे जा रही। एक मिनट यार, तुम लड़कियां रूठती बढ़ाओ। सॉरी बेबी। बेबी? मैं तुम्हारी बेबी हूँ? मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ, और कस्टमर भगवान होता है। माँ भी भगवान जैसी होती है, और माँ के लिए हर बच्चा बेबी होता है। और बेबी को भेष पसंद है। हेलो डैडी, ये आदमी पागल है, मुझे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो डैडी, मेरे को ये बहुत पसंद है। आप मैं हाँ डैडी को बीच में क्यों ला रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ आता है। तुम ये बताओ, वो जो लाइनें लगी हुई हैं सामने व्हाइट वाली, इन्हें क्या कहते हैं? ये हाँ, ये जब सड़क बुड्ढी हो जाती है ना तो व्हाइट व्हाइट आ जाते हैं उसके। इसे ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ज़ीब्रा क्रॉसिंग, इतने सालों से देख रहा हूँ, आज तक कोई ज़ीब्रा नहीं निकला इधर से। चलो ट्रेनिंग शुरू करते। चलो चलो बाबा ट्रेनिंग। कैसे ट्रेनिंग शुरू करेंगे, इसमें तो ब्रेक ही नहीं है। ब्रेक नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम फिल्म स्टार की बेटी हो? नहीं। तो स्ट्रगल करो, ब्रेक मिल जाएगा। आते ही ब्रेक चाहिए। अगर ब्रेक नहीं होगा ना तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जेल होगी। वैलेंटाइन से पहले बाहर आ जाओगी। मुझे जेल क्यों होगी? तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती? अरे देश बीच में कहां से आ गया? वाह, देश कहीं से नहीं आ गया, तुम देश के बीच में आती हो। देश तुम्हें गाड़ी देता है, चलाने के लिए सड़कें देता है, और तुम देश के लिए जेल नहीं जा सकती? अरे तुम पागल हो। मैंने क्या जुर्म किया है जो मैं जेल जाऊंगी? और वैसे भी इस गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं है। देखो मैडम, हम अपने कस्टमर की सुरक्षा का खुद ख्याल रखते हैं। अच्छा। आप गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट मैं आपको देता हूँ। चलो हाथ मत लगाना मुझे। पागल आदमी। अब मैडम आपको समझ नहीं रही है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आपको पता नहीं है गाड़ी उड़ते वक्त सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है? अच्छा, ये गाड़ी उड़ती है? मैं आपको रनवे पे सिखाऊंगा ना, बड़े बड़े जहाज उड़ जाते हैं, गाड़ी का कैसे। और सुनो, इन केस आपातकालीन स्थिति में हम पानी में उतरने ना, तो ये जो नीचे टायर लगे हुए ना, एक अपने गले में डाल लेना, एक मेरे गले में, ठीक है? एक काम करो, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे नहीं सीखनी। तुम यार चलती गाड़ी से उतरेगी पागल। तुम गाड़ी खुद ही सीखो, अपनी गाड़ी अपने पास रखो। मेरा पहला प्यार रूठ गया मेरा। अच्छा यार मत रो, आ गई मैं वापस। पर तुम्हें भी तो थोड़ा तो ध्यान होना चाहिए ना, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का। बंदा कुछ तो सोचता है। उसकी चिंता ना करो, हम हर शनिवार में नींबू मिर्ची लगाते हैं। नींबू मिर्ची से क्या होता है? अब मैडम हिंदुस्तान में ना गाड़ियां पेट्रोल डीजल पुलिस के भरोसे कम चलती है, नींबू मिर्ची के बहाने ज्यादा चलती है, आपको पता है। अब अपना हाथ दिखाओ मेरे को, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे आप इतना डर रही हैं, कुछ नहीं होगा आपको, आपकी लाइफ लाइन ही बड़ी लंबी है। अच्छा, 4 बच्चे हैं आपकी किस्मत में। अच्छा 4 हो, 8 हो, तुम्हें क्या? क्यों, स्कूल की फीस तो मेरे को ही देनी पड़ेगी ना। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तुम क्यों दोगे? तुम्हें पता है बहुत हो गया, अब मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस नहीं बुलाते, पागल पंडित को बुलाते, इंडियन कल्चर का पता ही कुछ नहीं। मैं संभाल लूंगा, तुम आओ गाड़ी बैठते हैं। आओ गाड़ी पे ध्यान दीजिए, आप आइए। मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, इस गाड़ी में कोई गियर भी नहीं है। क्यों नहीं गियर, ये क्या है? ये हॉकी है। आई वॉन्ट टू प्रमोट हॉकी। अरे लेकिन हॉकी से गाड़ी नहीं चलती। बिल्कुल ठीक कहा मैडम, हॉकी से तो आजकल घर नहीं चल रहे। ये लो फिर, ये लो इससे चलाओ, इससे तो बड़ो बड़ो की कारें चल रही हैं। पूछ लो सिद्धू साहब के पास 9 गाड़ियां हैं, इसी से लिए। यही बैट उठाकर तुम्हारे सर पे मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। गाड़ी चलाना सिखाना है या नहीं? एक मिनट, आप तो गुस्सा कर गई। एक मिनट, आंखें बंद करो, 2 मिनट बंद तो करो यार, मैं सिखा रहा हूँ ना। क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो मेरी। क्या क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? देखो हमारी ऐसे दोस्ती, हमारी रिलेशनशिप में बदल गई। कल को पार्टी वार्टी में जाएंगे, लोग कहेंगे लड़का लड़की डांस करो, तो मुझे चेक भी तो करना, तुम्हें डांस करना आता कि नहीं? मुझे डांस करना आता है। तो फिर थोड़ा सा दिखाओ वेस्टर्न शकीरा वाला।
मुझे जूडो कराटे भी करना आता है, करके दिखाऊं? वाह, हेलो माँ, तेरी बहू को जूडो कराटे भी आते हैं? हाँ, तू ध्यान से रहना, इसको जूडो वूडो मत बोलना, इधर कराटा मारेगी। हेलो माँ पूछ रही है, कुकिंग आती है? तुम्हें डर दो, ये कैसा बेटा पैदा किया है आपने? देखो 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 माँ, मैंने तुझे कहा था ना, सारी दुनिया नाच करेगी, सारी दुनिया पूछ रही कैसा बेटा पैदा किया है, पोता भी बड़ा अच्छा पैदा कर। डैडी, डैडी मैं आ रही हूँ। डैडी मैं भी आ रहा हूँ। डैडी आप पुलिस बुलाइए। डैडी इधर है, ये मम्मी है। हेलो मम्मी, होल्ड करो, क्या हो गया? देखो अब मैं पुलिस बुला लूंगी, बहुत हो चुका है तुम्हारा। पुलिस बुला ही नहीं सकते, पापा मम्मी पुलिस नहीं बुला सकते कभी भी। आपने गाना नहीं सुना, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी को करो। ओह माय गॉड, एक्चुअली मुझे पक्का विश्वास हो गया, पूरा विश्वास हो गया, तुम पागल हो, तुम पागल हो। यस, आजकल के दौर में कोई इंसान हंस खेल के बात कर ले ना दो पल, तो उसको लोग पागल ही कहते हैं। मैम, किसी इंसान ने क्या कहा है कि वक्त पे खोल लिया होता अगर दिल यारों के साथ, आज खोलना ना पड़ता हॉस्पिटल में औजारों के साथ। तुम शायरी भी कर लेते हो, और क्या क्या कर लेते हो? मैं नाश्ता कर लेता हूँ, मैं लंच कर लेता हूँ, डिनर पे मैं लेट आऊंगा। मेरे को एक बार बताओ, मेरे को बाथरूम जाना है, बताओ कहाँ से खुलता है ये? तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये स्कूल बंद करो, तुम्हारा बहुत हो गया। एक मिनट। मेरे होते हुए मेरे इलाके में ये कौन है जो लड़की छेड़ रहा है? सिद्धू साहब, वापस हो जा। हेलो, ये मुझे छेड़ रहे हैं। तो सीधी तरह बताओ, थाने चलना है या पैसे देके यही रफा दफा करना है? आपको शर्म नहीं आती सबके सामने रिश्वत मांग रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि कभी भी कोई भी काम पीठ पीछे नहीं करना। जल्दी बता क्या करना है, वरना मार मार के तरह पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। आपने खुद ही तो कहा आपकी माँ कहती पीठ के पीछे कुछ नहीं करना, तो फिर क्यों कर रहे हो? ओके, ये बताओ ये गाड़ी किसके नाम पे है? इनके नाम पे। ये झूठी चलते कट्टी चलते, मैंने कब कहा मेरी गाड़ी है? हेलो, तुमने मुझे कहा था ये गाड़ी तुम्हारी है। एक बार कहा मैंने तो 20 बार कह दिया, तुम मेरी हो जाओगी। मैं 2 मिनट में कहूंगा कि ये हॉलदार मेरा है, तो हो जाएगा क्या? मैं थानेदार हूँ। देखो मैडम, किसी बुजुर्ग ने कहा है दुनिया में कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है तुम लोग हवा लात जाएंगे। हाँ, और वहाँ डंडे भी खाएंगे। मेरे कन्नू अर्जुन आएंगे। ये क्या बकवास है यार, मुझे लगा कभी सम्मेलन चल रहा है। मैं 4 लाइनें पेश करता हूँ, दाद चाहूंगा। तो मैंने तेरी दाद ही लाल कर देनी है। गाड़ी के पेपर दिखा। पेपर वो हमारे पड़ोसी ले गए। हैं? हमारे पड़ोसी कभी अपना पेपर नहीं मंगवाते, हमारा पेपर मांग के ले जाते हैं। लेकिन पेपर पढ़ना बहुत जनरल नॉलेज के लिए अच्छा होता है। आजकल की लड़कियां मेकअप करके घूमती हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। पप्पू चंचल काट आगे से, नरेंद्र चंचल काट नरेंद्र मोदी लिखा। ये हो क्या रहा है? मेरे भतीजे का एग्जाम हो रहा है तो उसको लिखवा रहा था मैं। तो तुम अपने भतीजे को चीटिंग करवा रहे थे? नहीं, इट्स इको फ्रेंडली चीटिंग, इट्स नथिंग हार्मफुल टू हेल्थ। मुझे लगता है तुम्हारा सारा परिवार ही चीटिंग करके पास हुआ है। एक्सक्यूज मी, मैं जो कुछ हूँ आज आपकी मेहनत से हूँ। तुम्हारी मेहनत? अच्छा ये बताओ कि भारत में कितने राज्य हैं? राज्य जितने भी हों, देश का प्रधानमंत्री एक है, सिद्धू जी एक है, सोनी एक है, भारत माता की जय। मैंने तेरे मारना है, मैं यहाँ पर तुम दोनों का टेस्ट लेने आया हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। सीधा लाइसेंस दिखाओ। ये लो, ये तो 2-व्हीलर का लाइसेंस है। तो इसके अंदर इंजन भी 2-व्हीलर का लगा हुआ है ना? गाड़ी के अंदर 2-व्हीलर का इंजन कौन लगवाता है? हमें भी कोई शौक नहीं, हमारे ताऊ जी बीमार थे पता है, उनकी किडनी खराब हो गई, हमने इसका इंजन निकाल के बेच के हमने स्कूटी ले ली। क्या, तुम्हारे ताऊ जी बीमार थे और तुमने स्कूटी ले ली? जी, क्योंकि मेरे ताऊ जी हमेशा कहते हैं जो आएगा वो जाएगा, और जो जाएगा वो आएगा। मैंने कहा स्कूटी ले लेते, जो भी आएगा जाएगा, जल्दी आएगा जाएगा। कुछ भी बोलता है। इतने जवाब मैंने स्कूल में दिए होना था ना, आज मैं कमिश्नर होता। शट अप, कमिश्नर को शट अप बोलता है। यू आर सस्पेंड। और तू कमिश्नर नहीं है। एक मिनट, मुझे तुम पे शक हो रहा है।
गाड़ी की तलाशी लेनी पड़ेगी। खबरदार, मेरी गाड़ी की तलाशी लेने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। गाड़ी है सिर्फ, लेने दे तलाशी। गाड़ी होगी आपके लिए, मैंने बीवी की तरह पाली है ये। अगर आपकी बीवी की कोई तलाशी ले तो एक मिनट, चुपचाप डिक्की खोलो। चुपचाप खुली नहीं सकती, आवाज करती है। इधर आओ तुम दोनों। हेलो, पुलिस वाले को डांटती हो? शट अप, मुझे पता है तुम दोनों पागल हो। तुम होती कौन हो मैं पागल कहने वाली? डॉक्टर सुधा। लेकिन मैं पागल नहीं हूं। अच्छा। सारे पागल यही कहते हैं कि वो पागल नहीं है। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तो कौन है तू फिर? मैं तो कॉमेडियन हूँ। ये पक्का पागल है। अच्छा पाजी, एक बड़े भाई के नाते एक सवाल आ रहा था मन में। जैसे ये कंपलसरी होता है कि अगर आपको नेवी में भर्ती होना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। कमाल की बात है, मतलब क्या बात है? सही बात है ना? मतलब याद रखना, नेवी में अगर भर्ती होना तो स्विमिंग आनी चाहिए, क्या बात है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हमें एयरफोर्स में भर्ती होना है तो क्या हमें उड़ना भी आना चाहिए? उड़ना आना चाहिए। और अगर आर्मी में हो तो मुंह से गोलियां चलानी आनी चाहिए। बल्कि इसको आर्मी में होना चाहिए, इसके मुंह से बड़ी गोलियां चलती हैं। पाजी वैसे अक्षय पाजी यूनिफॉर्म में, मैंने ट्रेलर में देखा, बड़े हैंडसम लगते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। और जितनी एक आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती उतना ये रोज ही करते रहते, उछलते कूदते रहते बगैर। पाजी कभी आपके मन में सच्ची विचार नहीं आया? अभी तो खैर आप सुपरस्टार हैं, पहले कभी? क्या कि जितने आप फिट थे और ब्लैक बेल्ट सब कुछ, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया अभी आर्मी वगैरह में भर्ती होने का? नहीं, पहले मैं एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था। अच्छा। लेकिन जैसे जिंदगी घूमती गई, अपने आप कुछ ना कुछ होता गया, कुछ ना कुछ होता गया, पता नहीं चला कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, और अपने आप फिल्मों में आ गया। आपको सच बताएं, बहुत लकी मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूँ। आज से 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आए हुए। पहली इंडस्ट्री में बदलाव कितना आ गया आपको? 25 साल हो गए बॉलीवुड में। पहले एक प्रोड्यूसर सात सात हीरो को साइन करता था, सात सात हीरोइन, फिर एक प्रोड्यूसर एक हीरो को करने लगा। अक्षय पाजी की फिल्म में सात प्रोड्यूसर है। पाजी आपने इतना रेट बढ़ा दिया। हमारे प्रोड्यूसर, इसको याद है, इसके प्रोग्राम में इतने सारे वो स्पॉन्सरर हैं और अभी भी बाहर ढूंढ रहा है कोई और मिल जाए। वहां बाहर इसके घर के बाजू में नगोरी डेयरी फार्म है, उसके पीछे भी पड़ा हुआ ये। उसके उस वहां भी जाता है, डेयरी फार्म को बोलता है स्पॉन्सर बनेगा मैं। मुझे आप ही बता दो मैं क्या बात करूं भाई। मैं नहीं नहीं, जिस पोज में तू बैठा था खतरनाक था बड़ा वो। इसने इसने मेरी फिल्म डिशुम देखी है। हाँ, देखी है। अच्छा, डिशुम से याद आया, पाजी अब खुद की तो 6-7 फिल्में करते हैं, दूसरों की फिल्मों में भी घुस जाते हैं। डिशुम डिशुम वाले कैरेक्टर की तैयारी कैसे की थी पाजी? खुद टीवी करता है, फिल्मों में क्यों आया ये? क्यों भाई? हाँ भाई, मुझे माफ कर दो पाजी, मैं क्यों आया तू? मेरे को माफ कर दो। और अभी अभी कुछ थोड़े दिन पहले की बात है, फोन पे कह रहा भाई एक और फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा पाजी, आप जितनी भी फिल्में करते हो आज तक, जब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ 25 साल से, वैसी फिल्में होती है जिसमें हीरो का फिट रहना जरूरी है, वैसा ही चाहिए। अगर आपको कोई डायरेक्टर ऐसे कहे कि आपको 30 किलो वजन बढ़ाना है तो आप वो फिल्म करोगे कभी? 30 किलो वजन बढ़ाना है? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 30 किलो फिर बाद में घटाना भी है। वो नहीं होगा भाई, उस 30 किलो बढ़ाने के चक्कर में और घटाने के चक्कर में मैं इससे अच्छा 3 फिल्में ज्यादा ना कर लूं। अच्छा पाजी, जैसे आप नॉर्मली अपनी फिल्म 40-50 दिन में खत्म कर देते हो, अच्छा कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो 100-150 दिन की शूटिंग करते हैं, जैसे अपने आशुतोष गवारीकर सर हैं, संजय लीला भंसाली हैं, तो आप इसीलिए उनके साथ फिल्में नहीं करते कि वो लंबी फिल्में बनाते? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ वो कब 40 दिन में बनाएंगे, तब मैं फिर कर लूंगा, और क्या कर लूंगा। अरे अक्षय पाजी की दीदी भी यहाँ पे है, नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप? अच्छा आज दीदी मैं आपसे एक बात कहने जाता हूँ, हमने आज तक अक्षय पाजी की गुड हैबिट्स के बारे में सुना है, आप सिस्टर हैं आपको ज्यादा पता होगा,
ये खाने में हमेशा संदेश देते हैं, कोई बैड हैबिट्स जो आपको पता है प्लीज। ताश, ताश खेलते हैं, जुआ, सारी गैम्बलिंग करते हैं, हर चीज़। मतलब फिल्मों से भी पैसा, ताश खेल के भी पैसा। अबे घर में खेलता हूँ। अच्छा घर में, अच्छा घर में खेलते हैं। स्वीप, स्वीप, स्वीप तो सुनी होगी। स्वीप नहीं पता? नहीं पाजी। भाई तो स्वीप पता होनी है। हमें गंदी आते नहीं है। ओहो। ये स्वीप नहीं जानता, ये सीधे कैसीनो पहुंच जाता है। नहीं अच्छा इलाना, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे रुस्तम में आपकी शादी होती है अक्षय पाजी से जी, अफेयर हो जाता है किसी और से, फिर फिल्म बर्फी आई थी उसमें प्यार रणबीर कपूर से करती हैं शादी किसी और से, तो आप दुनिया में लड़कों को कंफ्यूज करने आई हैं? पता नहीं यार, आई हैव अ फीलिंग कि आई थिंक डायरेक्टर्स हैव दैट इन माइंड लुकिंग एट माय फेस। आपको क्या लगता है कि मैं आपको बहुत कंफ्यूज करती हूं? नो, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, मेरा फोकस सीधा है, इंटेंशंस काफी यू नो डायरेक्ट। मैं मर जाना, मेरे को ऐसे ना करो। वेरी क्लीन हार्ट गर्ल शी, शी लव्स मी फ्रॉम चाइल्डहुड। ईशा एक बात बताओ, आप फिल्म में अक्षय पाजी की जान लेने पे तुली हुई है, कहती कि मैं इस आदमी को फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहती हूँ, इतने प्यारे हैंडसम आदमी, टाइम पे उठते टाइम पे सोते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको मारना है तो हमें मार लो ना, हम तो तैयार बैठे हैं। आप ये कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो बस ये बता दो। तो आप क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हैं? इलियाना को मिला ना, मेरा हस्बैंड नहीं बना इसलिए। अच्छा तो इसलिए बेसिकली तो मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तो उस हिसाब से आप नहीं। अच्छा वैसे कुछ कहानी तो और है, कहानी वो बताती ही नहीं है, इनको पता है कि हम यहीं पे कहानी बताएंगे तो फिर वहां पे जाकर क्या देखेंगे। चलो एनीवेज, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ईशा। कुछ दिन पहले आपने सोशल नेटवर्किंग पे एक फोटो आपने अपलोड कर दी थी और आपने बोला मेरी एंगेजमेंट हो गई है, फिर आपने बोल दिया मैं तो मजाक कर रही थी। क्योंकि आपने दी, मैंने चेक कराया, नकली थी। रियली? आप ऐसे मजाक क्यों करती है? आपको लगता है लड़कों को हार्ट अटैक हो सकते हैं ऐसी बातों से? यार मैं क्या बोलूं, आप थोड़ा बजट बढ़ाते तो शायद हम एंगेजमेंट रखते। दिस टाइम एक्चुअली वी हैव 3 times बजट, बट या मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। दो खूबसूरत लड़कियां हैं और ढेर सारी बातें आपके साथ करेंगे, पहले आइए हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए जरा, आइए। अच्छा इलियाना से किसी ने पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, ये कहती मैं पानी बहुत पीती हूँ। आपके चक्कर में हमारे पांडे साहब ने जो ड्रम बजाते हैं, हाँ जी, इन्होंने 12-12 liters पानी शुरू कर दिया पीना। खूबसूरती तो पता नहीं कहाँ आई कहाँ नहीं, लेकिन टॉयलेट बड़ा जाते हैं। तो या तो मुझे लगता है कि आपका बयान गलत था कि पानी पीने से खूबसूरती आती, या इसको रिएक्शन कर गया। मुझे कुछ कहना पड़ा तो मैंने बोल दिया कि पानी ज्यादा पी रहे हो। तो वैसे कोई ऐसी फैक्ट नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ईशा, अब मैंने देखा आप सोशल नेटवर्किंग पे काफी एक्टिव रहती हैं जी। अच्छा ईशा के पास थोड़ा सा टाइम बचा हो ना शॉर्ट के बीच में, कभी अपने डांस का वीडियो अपलोड कर देती हैं, कभी कुछ भी अपने फैंस के लिए, सो आज अगर आपको इंस्टेंटली कुछ रिकॉर्ड करके डालना हो तो क्या डालेंगी अपने फोन से? आप जो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ईशा आपकी पहली फिल्म जन्नत 2 थी ना जी, इमरान हाशमी के साथ जी, चुंबन देवता हैं हमारे देश के। I love इमरान, he is my brother. जी मैंने भी पूजा की थी। अच्छा वो फिल्म के कैमरा के सामने रोमांटिक होते हैं कि वैसे भी रोमांटिक है रियल लाइफ में? उनकी वाइफ से पूछना पड़ेगा। मेरा जैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा हो या ना हो, मेरा ये होता है कि फोकस क्लियर है। अच्छा आप एक बार बताइए, आप इतना सारा फ्लर्ट करते हैं सेटल किसके साथ होंगे? कोई तो एक मतलब। जब इतने सारे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मेरी मम्मी को ना गुप्ता सर ने बड़ा पसंद आता है, मेरी बहन को डी क्रूज बड़ा पसंद आता है। मैं आपको बताऊं, इलियाना जो है ये पैदा मुंबई में हुई, फिर गोवा चली गई, वहां से साउथ की फिल्मों में, वहां से फिर वापस मुंबई में आ गई। अच्छा जब इतना सफर कर रही थी, आपने कभी सोचा था आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, बट यू नो एवर सिंस आई हैव कम ओवर
आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो गई। या या या। जब से मैं आई। I have done double MA. I don't बताता नहीं मैं किसी को। मैं बताता नहीं। I'm too much educated. Oh, too much. Yeah. मैं बताता नहीं कि नजर लग जाती है पता है। अच्छा। पहले मैंने बताया था मेरी नजर लग गई थी, मेरा शो बंद हो गया था। तो मैं फिर बताता नहीं किसी को। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है आप दोनों से। आप दोनों इतनी खूबसूरत हैं जी, हैं हीरोइंस हैं, अच्छा पैसा कमाती हैं आप, तो मतलब आपके साथ भी नॉर्मल लड़कियों वाले किस्से होते हैं? जैसे कभी कभी हुए हैं ऐसे? आम जनता जानना चाहती है कि कभी आटा गूंथते हुए वही हाथ ऐसे बालों में आटा चिपक गया हो? कभी आटा गूंदा वैसे आपने ईशा? हाँ मैंने, हाँ ऑफ कोर्स। आटा गूंदना आता है आपको? या। अच्छा ये आटा भी बड़ा गूंथती होंगी ना, सेक्सी सा आटा, मतलब जैसे हलवाई वो ढाबे में गूंथते ना इतने बड़े बड़े, इनका आटा भी ऐसे होता है ना, ये पेड़ा करती होंगी तो पेड़ा हाथों से कैसे ऐसी चपाती निकलती होगी ना, मजेदार चपातियां। अच्छा कभी ऐसा हुआ आप बड़ी तैयारी करके गई हो किसी पार्टी पे, आपकी चप्पल का स्ट्रैप टूट गया हो और बाद में आप ऐसे करके चल रही हो? ऐसे नॉर्मली? हाँ हुआ है, सब हुआ है। होता है जी मेरे पास, एक्चुअली हुआ था मेरे साथ। सैंडल टूट गई थी? हाँ सैंडल टूट गई थी और took it off and started walking there. हमारे तो एक शो में ही हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इतनी बड़ी हील पहन के आई तो वो नीचे से जो डुंडी सी चिपकी नहीं थी तो सडनली लड़की ना एक पैर से थोड़ी हो गई तो सडनली इस तरफ से ऊंची तो करती है अच्छा अभी तो नहीं, अभी आप करोड़ों की गाड़ियों में घूमती हैं। कभी ऐसे बचपन में हुआ किसी लड़के की साइकिल के पीछे बैठे आपका दुपट्टा आ गया हो चैन में? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही कि जो सुपरस्टार्स लड़कियां होती क्या उनको भी आम लड़के जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? होती है ना। कभी आपने अपनी चिंगम में चीनी डाल के दोबारा मीठा किया? मैं ऐसे कुछ भी आप करते हो ऐसे? मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। दिखाओ। अरे चिंगम खाओ तो ना 5 मिनट बाद फीकी हो जाती है। अच्छा। फिर उसको बाहर निकालो, फिर उसको थोड़ा सा खींच के उसके थोड़ा अंदर मीठा, चारों तरफ बंद जैसे आलू का पराठा बनाते ना, फिर उसको मुंह में। नो इट्स नॉट डिस्गस्टिंग, इट्स स्वीट। एक बात बताओ मुझे, मैं आप दोनों से एक बात पूछने जाता हूँ, प्यार कभी 100-150 बार हो सकता है? 100% हो जाता है। आपने भी एक बार ट्वीट किया था ना कि जो आपका प्रियतम है होता है उससे आपकी नजरें नहीं हटती, तो मैं यही पूछना चाहता था कि क्या 100-150 बार प्यार होता है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी हीरोइन आती है सिद्धू पाजी की नजरें हटती नहीं है उनसे। सिद्धू पाजी पे आ गया, दिमाग खराब। पाजी आपको नहीं लगता? सच सच तो है, ये खूबसूरत लड़कियां सामने हो ना आदमी वैसे खिला खिला रहता है, रहता कि नहीं रहता? देखो जब खूबसूरती चलती है ना तो साथ साथ चलते हैं देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और एहसास करने वाला हृदय, दिल की घंटियां, दिल की घंटियां बस। आंखें हृदय और सांस, मैं तो पूरा का पूरा चल पड़ता हूँ भाजी। गर्ल्स इफ यू डोंट माइंड मैं आपके बीच बैठ जाऊँ? ऑफ कोर्स। थैंक यू। बाप रे कितना अच्छा परफ्यूम लगाया आप लोगों ने। एक मेरे कॉलेज की लड़कियां थी भाजी, कॉलेज की बस जाती ना रूम फ्रेशनर लगा के आ जाती थी कसम से, फिर पसीना और रूम फ्रेशनर की मिक्स होती थी ना स्मेल, मैं तो 3 स्टॉप पहले उतर जाता था। कौन सा वैसे परफ्यूम लगाया आपने? गुची फ्लोरा। हाँ जी गुची फ्लोरा। और आपका? शनेल। शनेल। अच्छा आप कोबरा का नहीं लगाती? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates